इसी कारण मजदूरों का एक शहर से दूसरे शहर पलायन जारी है और तमाम लोग उनकी सहायता कर रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर एहसान खान भी अप्रवासी मजदूरों को खाना खिलाकर उनकी सहायता कर रहे हैं। कोरोना वायरस से जहां पूरी दुनिया इसकी चपेट में है, वहीं भारत भी अछूता नहीं है। 130 करोड़ भारत की जनसंख्या में 40 करोड़ अप्रवासी मजदूर किसान रहते हैं। आइए आपको ले चलते हैं यूपी के बलरामपुर जिला। ये जिला अति पिछड़ा जिला घोषित है। जिले की 24 लाख की जनसंख्या में 70% कुपोषित बच्चे और माँ हैं। ऐसे में अगर कोरोना ने यहाँ अपने पैर जमा लिए तो आखिर में क्या होगा यूपी के बलरामपुर जिले के मजदूरों का, जो देश के अलग अलग बड़े बड़े शहरों से मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, गुजरात, राजस्थान, चंडीगढ़, चेन्नई जैसे शहरों में काम करने के लिए गए हुए थे, लेकिन कोरोना वायरस इन मजदूरों की जिंदगी में जहर घोलने का काम कर रहा है। इसीलिए ये मजदूर बड़े शहरों से पलायन करके अपने जिला बलरामपुर में आ रहे हैं। इन मजदूरों की भूख और प्यास बुझाने के लिए शाजिदा हॉस्पिटल के फाउंडर एहसान खान 46 दिनों से खाने और पीने की सामग्री लेकर आए हैं और इन सभी मजदूरों में वितरित कर रहे हैं। अपना मानवता का धर्म निभाते हुए इस महामारी और मुसीबत में रोजा जैसे पवित्र त्योहार में भी रोजे की सामग्री भी लोगों को दी जा रही है और उनका रोजा खुलवाकर पुण्य का काम डॉक्टर एहसान खान कर रहे हैं। डॉक्टर एहसान खान का कहना है कि इस वक्त मानवता का काम करना बहुत जरूरी है। हम इसी तरीके से जब तक कोरोना महामारी का संकट रहेगा, हम अप्रवासी मजदूर, गरीब मजदूर, मजलूम लोगों की मदद करते रहेंगे ताकि कोई भूखा ना सो पाए। एहसान खान भोजन के साथ साथ दवा की भी लोगों की मदद कर रहे हैं। एहसान खान प्रवासी मजदूरों के बाद सड़क पर जो छोटे जानवर घूम रहे हैं उनको भी भोजन करवाते हैं। उतरोला की सड़कें सूनी पड़ी हैं, कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। कोरोना महामारी संकट में डॉक्टर एहसान खान लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं और पूरे जिले में इनके कार्यों की तारीफ हो रही है। अप्रवासी मजदूर बताते हैं कि जिस तरीके से यहाँ खाना मिला है, हमें मुंबई में इस तरीके से खाना नहीं मिल पा रहा था। वहाँ डेली डेली सिर्फ थोड़ी खिचड़ी मिलती थी जिससे पेट नहीं भरता था। हम मजबूरी में वहाँ से पलायन करके आए हैं और हमें यहाँ पहुँचने में 6 दिन का समय लगा है। अच्छा, कहाँ से आए हो? अच्छा, कब चले हो वहाँ से? अच्छा, तो कहाँ जाओगे? सरावस्ती। तो कब तक आप अभी निकलोगे कि रात कहीं रुकोगे? अभी व्यवस्था मिल जाएगा तो रुक जाएंगे। हाँ, नहीं व्यवस्था मिलेगा तो थोड़ा चले जाएंगे। तो खाना वाना आपको मिल गया? कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? तो कितना दिन हो गया वहाँ से आए? अभी 4-5 दिन हो गए। 5 दिन हो गया वहाँ से। तो वहाँ खाना वाना आप लोगों को नहीं मिल रहा था? खाना वाना वहाँ पे नहीं मिल रहा था। अच्छा, जैसा ये मिल रहा वहाँ वो खिचड़ी देते थे रोज का। हाँ, अच्छा, भर पेट खाना नहीं मिल रहा था। अच्छा, ये लगातार चल रहा है। पहले दिन से हम लोगों ने शुरू कर दिया था। पहले हम लोग लोकल एरिया में करते थे और जो यहाँ पे बाहर के लोग फंस गए थे या मंदबुद्धि के लोग थे, यहाँ जो बहुत गरीब तबका था, जो जरूरतमंद था, उनके लिए फिर जब वो लोग यहाँ के जो बाहर के लोग फंसे हुए थे लोग चले गए, तो फिर उसके बाद जो है और लोगों में बढ़ता रहा। और एक राशन किट हम लोगों ने तैयार की और ये रमजान किट, राशन किट में चावल, दाल 3-3 किलो ये था। कुछ छोटे किट थे, कुछ बड़े किट थे, आलू, चावल, गेहूं आटा, और उसके बाद जो है आपका दाल और तेल और बिस्किट होता था। जी, रोजा का समय चल रहा है, रोजा किट में आप लोग बांट रहे हैं, उसमें क्या क्या है? इस वक्त अफ्तारी का किट रहता है। ये अफ्तारी में जो है फल फ्रूट और पानी होता है और साथ में खाने का भी सामान रहता है। अभी कब तक ऐसे चलता रहेगा? जब तक लॉकडाउन, इंशाल्लाह जब तक हम लोग उम्मीद किए कि तब तक ये करता रहेंगे। असल में जो अब असल में ज़रूरत तो अब, इसलिए जो बाहरी लोग आ रहे हैं बिल्कुल वाकई वो परेशान हैं और उनको पता लगता है कि बॉम्बे से चल दिए हैं, अभी रास्ते में उनको खाना नहीं मिला है, सिर्फ बिस्किट और पानी पी के वो काम चला रहे हैं। और कुछ बच्चे हैं जिनको दूध नहीं मिल पा रहा, जो बहुत बड़ी परेशानी है।